गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये वीडियो मेनली जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं और जिन्हें जो बच्चे आ नहीं पाते हैं या फिर जो बच्चे कॉलेज आते हैं तो उन्हें लेथ मशीन देख नहीं पाते हैं या फिर जो बच्चे लेथ मशीन आते हुए भी बच्चे गोल मार देते हैं, तो उन जैसे बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। चूंकि क्लासें नहीं लग रही हैं और बच्चे आ नहीं पा रहे हैं तो मेनली उन्हीं के लिए ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ। और ये बच्चे आईटीआई वाले भी देख सकते हैं और ये उन बच्चों के लिए भी है जो बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर के कॉलेज प्राइवेट कॉलेजों में लेथ मशीन अवेलेबल नहीं है उन बच्चों के लिए भी है। तो मेनली जो है हम इस वीडियो में आपको लेथ मशीन के बारे में बताएंगे, लेथ मशीन का पूरी आउटर बॉडी आपको समझाएंगे कि क्या क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें, क्या क्या कौन कौन सा वर्क करता है, कौन कौन सा टूल होता है ना। और मेनली लेथ मशीन को लेथ मशीन टूल क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें अपन आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप मुंह दे दीजिए आप, है ना। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ ये पॉलिटेक्निक की वर्कशॉप है। ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह की वर्कशॉप है। यहाँ पे देखिए इतनी सारी लेथ मशीन्स रखी हुई हैं, आप देख रहे होंगे, जैसे है ना, देख रहे हैं है ना, ये रखी हुई है, ये कैपस्टन लेथ रखी हुई है, कैपस्टन। ठीक है, और ये नॉर्मल लेथ है, कन्वेंशनल लेथ। और ये आपके ये ऐसे ये दिए गए हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो मेनली हम एक कन्वेंशनल लेथ के बारे में पढ़ेंगे, बताएंगे आपको, क्योंकि कन्वेंशनल लेथ कैसे वर्क करता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आप अब चूंकि अपन टेक्निकल लोग हैं तो अपन इसको मशीन नहीं बोलेंगे। ठीक है, मशीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अपन बोलेंगे इसको मशीन टूल। ठीक है, अब मशीन टूल होता क्या है। ठीक है, मशीन टूल ऐसी मशीन होती है जिसमें मेटल कटिंग और रिजिड बॉडी की कटिंग या मशीनिंग की जाती है, ऐसी मशीन को आप बोलते हैं मशीन टूल। समझ में आया। तो आज से आपको ध्यान रखना है, जितने भी टेक्निकल लोग हैं आप लेथ मशीन को क्या बोलोगे, मशीन टूल। ठीक है, मशीन टूल। इसी प्रकार सेपर भी मशीन टूल होती है, मिलिंग भी मशीन टूल होती है, ड्रिल भी मशीन टूल होती है। मशीन टूल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। ठीक है, तो आज हम बेसिकली नॉर्मल लेथ मशीन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेथ मशीन टूल। ठीक है, तो ये आपको एक लेथ मशीन दिख रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली अपन इसमें बेसिकली पांच पार्ट होते हैं, मेन पांच पार्ट। एक तो पूरा आपकी बॉडी, ठीक है, ये पूरी जो आपकी ये जो बेस रहता है, बेस, ये बेस आपको दिख रहा होगा, बेस। ठीक है, ये जो बेस पार्ट है, ये बेस पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये कहलाता है इसकी बॉडी। ठीक है, और दूसरा ये वाला पार्ट, ये जो कहलाता है आपका हेड स्टॉक, ये कहलाता है आपका टेल स्टॉक। ठीक है, और ये वाला पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ये कहलाता है आपका कैरिज। क्या कहलाता है, कैरिज। ठीक है, ये मेन तीन पार्ट होते हैं आपके। ठीक है, जो बेसिकली मेन पार्ट होते हैं वो ये तीन पार्ट होते हैं। अब इसके अपन और अंदर चलते हैं, डीप में चलते हैं, तो ये कहलाता है आपका चक। क्या कहलाता है, ये चक कहलाता है। और ये कहलाता है आपका टूल पोस्ट। क्या कहलाता है, टूल पोस्ट। ठीक है, और ये आपके ये कैरेज जो होता है, कैरेज आप इसको, ये मूवेबल रहता है। देखिए आप, ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए आप, ये मूव कर रहा है, इसको घुमाने पर ये मूव करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है। ठीक है ना, और ये इस पे भी ये डिफरेंट डिफरेंट गियर मैकेनिज्म से क्या होता है, बना होता है। ठीक है, आपस में कनेक्ट रहता है। यहां ये आपको, ये आपको मैं दिखा दूं, ये जो आपको दिख रहा है, ये
ये आपका टूल होता है, टूल होता है, और ये आपका यहाँ पे जॉब फंसा हुआ है। क्या फंसा हुआ है? जॉब। ठीक है, तो बेसिकली आपका जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मोशन जो होता है किसमें मोशन होता है? मोशन होता है आपके जॉब में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, आपकी मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमने ये स्टार्ट की, देखिए जॉब घूमने लगा आपका, ठीक है, जॉब घूमने लगा है ना। अब आप इसको धीरे 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 किसको? कैरिज को आगे बढ़ाएंगे। किसको? धीरे 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 कैरिज को आगे बढ़ाना है आपको, और आपका टूल कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। किसके? जॉब में। देखिए कटिंग होने लगी, होने लगी धीरे धीरे कटिंग, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से मैं अब इसको बंद कर देता हूं। तो बेसिकली जो आपको बताने का मोटिव था कि लेथ मशीन पे कटिंग किस प्रकार होती है, ठीक है, बेसिकली जो लेथ मशीन पे कटिंग होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका क्या? टूल पोस्ट, ठीक है, टूल पोस्ट, चक, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, ये दिस वन, ये कहलाता है लीड स्क्रू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लीड स्क्रू, है ना। ये मेनली जो आपकी थ्रेड कटिंग होती है लेथ मशीन पर, थ्रेड कटिंग होती है, और उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको, ये हमने आपको बेसिकली ऊपर ऊपर का आपको लेथ मशीन समझा दी, ठीक है। इससे अंदर लेथ मशीन में कुछ नहीं होता है। अब लेथ मशीन में ऑपरेशन की बात करें तो लेथ मशीन में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। इसमें आप टर्निंग भी कर सकते हैं, टैपर टर्निंग भी कर सकते हैं, बोरिंग भी कर सकते हैं, है ना, नर्लिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। नर्लिंग ऑपरेशन एक टूल होता है, नर्लिंग टूल, उसको यहां फंसा के नर्लिंग की जाती है, ठीक है। और स्टेप टर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन इस मशीन में एक साथ कर लिए जाते हैं, इसीलिए इसको मदर ऑफ मशीन टूल भी कहा जाता है, समझे। मदर ऑफ मशीन टूल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन एक कर किए जा सकते हैं, इसलिए इसको मदर ऑफ मशीन टूल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो क्योंकि अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग मशीन टूल हैं, जैसे सेपर हुआ, किसी फ्लैट चीज को करने, फ्लैट चीज को और फ्लैट चीज का मेटल रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, लेथ मशीन, सॉरी शेपर मशीन का उपयोग किया जाता है ना। किसी में होल करने के लिए ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है, लेकिन लेथ मशीन पे आप ये ऑपरेशन एक साथ कर सकते, लेथ मशीन पे ही आप ये ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसको मदर ऑफ मशीन टूल भी कहते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये अभी आज हमारा इतना आपको हमने लेथ मशीन के बारे में बताया, ठीक है। तो मेनली जो हमारा मकसद था कि आप बच्चे लेथ मशीन को देख लें, लेथ मशीन पे ऑपरेशन कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को समझ लें, तो ये हमारे मशीन आज के वीडियो का उद्देश्य था, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो सभी बच्चे देखें, पॉलिटेक्निक के भी, आईटीआई के भी, और लेथ मशीन को समझे, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेथ मशीन का नाम कई बार सुनते हैं लेकिन बच्चे इवन उनको उस मशीन को देख भी नहीं पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपको लेथ मशीन समझ में आए, और आप अगली बार से आपको लेथ मशीन बोला जाए तो आप किसी से ये ना बोलें कि हमने लेथ मशीन देखी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो को बंद करते हैं, ठीक है। आगे इसी प्रकार के वीडियो हम डालते रहेंगे, आपको ज्ञानवर्धक चीजें बताते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।